Welcome everyone. I hope all of you are doing good. Welcome back to my channel. लास्ट टाइम हम लोग ODEs के सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ODEs के हमारे पास टू काइंड के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है जनरल सोल्यूशन और एक हमारे पास होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसको निकालने के लिए आप जनरल सोल्यूशन के अंदर कंडीशन को पुट करते हो। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, आप उन कंडीशन को पुट करते हो अपने क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन के अंदर, तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को जनरल सोल्यूशन निकालना नहीं सिखाया था, ठीक है। तो आज हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ODE की काइंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। आपको देखना पड़ता है कि कौन सी ODE आपको गिवन है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को टू काइंड में डिवाइड, टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको जब बल्कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको तो आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ODE जो होती है उसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि आपको कौन सी ODE गिवन है, ठीक है। वेदर इट इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेदर इट इज नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, आज का वैसे हमारा मेन टॉपिक यही है। और जो नॉन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में, रिड्यूस्ड होमोजीनियस में, ठीक है। और फिर इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये तो हम अभी फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट्स नेम शोज कि ये कुछ चीजों को सेपरेट कर सकता होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास तो वेरिएबल्स और उनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इट मीन्स कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक्स, लेट से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि आप एक्स और उसके डिफरेंशियल को, ठीक है, और वाई और उसके डिफरेंशियल को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ना एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता है जिसमें आप एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही है ये कि इसमें आप एक्स और उसके डिफरेंशियल को अलग कर सकते हो वाई और उसके डिफरेंशियल से। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई मीन्स फंक्शन ऑफ वाई, ओके। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, आप इसको अगर मैं इस टर्म को उस साइड पे शिफ्ट कर दू इस टर्म को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास f ऑफ x, g ऑफ y, d ऑफ y, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे यहाँ पर ये x का डिफरेंशियल है, ये x का फंक्शन है, ये और इसके अलावा ये y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है और ये y का डिफरेंशियल है, ठीक है। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है जिस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंशियल और डेरिवेटिव का फर्क, ओके। अब इसमें देखें कि आप f ऑफ x इस फंक्शन को आप यहाँ पर ले आए और इसका डिफरेंशियल यहीं पर रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने x और उसका x का फंक्शन और उसके जितने भी डिफरेंशियल्स थे y और उसके डिफरेंशियल को हम लोगों ने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये देखेंगे कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किस तरह से जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसके दो ही बेसिकली स्टेप्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो
जनरल सोल्यूशन होता है, ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग इंटीग्रेशन जो है उसका चक्कर एक दफा रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पे आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए जनरल सोल्यूशन को निकालने के लिए, सही है। और जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है जनरल सोल्यूशन पे, ठीक है। तो अगर आपका जनरल सोल्यूशन गलत निकल आया तो इसका मतलब यह है कि आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी गलत है और आपका पूरा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जनरल सोल्यूशन को किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी तो फिर उसके बाद आप और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने एग्जांपल लिख दी है एक, ठीक है। एक्स साइन ऑफ वाई डी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस ऑफ वाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। ओके, यहाँ पे आप देखें कि ये जो पूरी इक्वेशन की फॉर्म है इस जनरल फॉर्म से रिसेंबल कर रही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इससे हम देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन किस तरह से निकलता है। तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें, ठीक है। देखिए, हमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। तो x साइन ऑफ y d ऑफ x इस टर्म को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ओके, अब इसके बाद अच्छा, ये जो डिफरेंशियल्स होते हैं इनको नहीं छेड़ना आपने, ये जहां पर है ये बस वहीं पे रहें, ठीक है। आप लोगों ने बस टर्म्स को शिफ्ट करना होता है, सही है। साइन ऑफ वाई डी वाई, ओके। अब यहां पे देखें कि जो ये मैंने एक्स के फंक्शन और उसका डिफरेंशियल सेपरेट कर दिया वाई के फंक्शन और उसके डिफरेंशियल से, ओके। अब जो स्टेप नंबर टू होता है उसमें सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी होती है, सही है। स्टेप टू में आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी होती है। अगर तो आपको इंटीग्रेशन आती है तो इससे आगे आप फर्दर मूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। और अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। इससे आगे आपसे होगा ही नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इंटीग्रेशन जो है उसको आप स्ट्रांग करें, क्योंकि उस पे आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल इंटीग्रेशन करके ये वाला स्टेप निकाला है, ठीक है। अब देखें कि जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आएगा, ठीक है। और अब और दूसरी बात ये है कि जब आपके पास नेचुरल ओके कोई भी टर्म इन्वॉल्व हो जाएगी ना सोल्यूशन में, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आपने नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेकिन सी भी कांस्टेंट है और एल एन ऑफ सी भी एक कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करके जनरल सोल्यूशन यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन में, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को कुछ कंडीशंस गिवन होती है क्वेश्चन में तो हम उन कंडीशंस को यूज करते हुए इस सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन फिलहाल हमें क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन तक ही रहेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं और इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक और लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको कंडीशन की गिवन है, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर, दैट्स व्हाई ओनली वन कंडीशन इज गिवन। और ये कौन सी कंडीशन है? दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ओके। अब इसके बाद स्टेप वन हुई है कि आपने एक्स और उसके डिफरेंशियल को सेपरेट करना है वाई और उसके डिफरेंशियल से, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। और स्टेप टू में सिंपल आपके पास इंटीग्रेशन है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इंटीग्रेशन के पे अगर आपकी ग्रिप नहीं होगी तो आपसे ये स्टेप परफॉर्म नहीं होगा और फिर आपसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए आपको सोल्यूशन निकालने से पहले इंटीग्रेशन जो है उसका टॉपिक पूरा रिवाइज कर लें, ओके। अब यहाँ पर जनरल सोल्यूशन निकल आया, उसके बाद कंडीशन को यूज किया हमने और सी की वैल्यू को निकाला। ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट
वेरिएबल की और ये डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो इस कंडीशन को यूज किया हमने तो हमारे पास वैल्यू निकल आई कॉन्स्टेंट की 1 और उसको फिर हमने अपने सोल्यूशन में पुट किया तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखती है। ठीक है, वही सिंपल स्टेप्स हैं। आपको फर्स्ट स्टेप में एक्स और उसके डिफरेंशियल को सेपरेट करना है और सेकंड स्टेप में आपको सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मुश्किल नहीं है, तो बस इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इंटीग्रेशन आपको आएगी तो ही आपका सोल्यूशन निकलेगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगी तो जनरल सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, अगर वो गलत होगा तो पर्टिकुलर सोल्यूशन गलत हो जाएगा, और अगर वो गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में कुछ भी मुश्किल नहीं था, आपने बस इन दोनों डिफरेंसेस को अलग अलग किया। ठीक है, और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की, ये जो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सबसे सिंपल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, इसके बाद जो है ना मतलब बाकी जो रिड्यूस्ड होमोजेनियस फिर लीनियर ये मतलब इनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, और इंटीग्रेशन तो फिर आपको पता होती है मुश्किल है। ठीक है, अब होमवर्क के लिए एक एग्जाम्पल ले लें फिर उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके होमवर्क के लिए एक एग्जाम्पल लिख दी है। ठीक है, और इसमें जो जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बस दो ही स्टेप्स थे, एक ये कि आप डिफरेंशियल को सेपरेट करें, दूसरा स्टेप ये कि आप इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसकी क्या कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं। ठीक है, तो बस आज यहीं तक हम इसको एंड यहीं पर हम इसको एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।